अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की आंसर की और रिजल्ट कब तक आएंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सूचना मैं आप सभी के समक्ष timesnow.com के माध्यम से देने जा रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, जहां पर आप खुद भी इसे प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। बीएचयू यूवीटी आंसर की 2021 अलोंग विद क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पांस शीट वुड बी अवेलेबल सून ऑन nta.ac.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध होगा। इट इज लाइकली दैट एनटीए वुड रिलीज आंसर की एंड रिजल्ट लेटेस्ट बाय 31st October 2021। आगे लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आंसर की वुड रिलीज सून। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आंसर की आर लाइकली टू बी रिलीज्ड सून। हाउएवर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द आंसर की ऑन 31st October 2021। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बीएचयू यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम कैन चेक मोर डिटेल्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट एट nta.ac.in। वंस एनटीए बीएचयू यूईटी आंसर की इज रिलीज, स्टूडेंट्स वुड बी गिवन 2 to 3 days टू रेज देयर ऑब्जेक्शन। देखिए, ये उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक एनटीए आंसर की रिलीज करेगा और उसके बाद विद्यार्थी जो है वो 2 से 3 दिन का समय दिए जाएंगे वो क्लेम करने के लिए कुछ क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो वो क्लेम कर सकते हैं, 2-3 दिन का समय दिया जाएगा और इसके बाद मतलब संभवतः अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि एक बार आंसर की रिलीज होगी आपके आंसर शीट के साथ, आप अपना मतलब अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली देख सकते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमने अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से किया है। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है किसी क्वेश्चन पे और आंसर की के ऊपर, तो यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days जब आंसर की रिलीज हो जाएगी। होपफुली 31st October को रिलीज होगी जो। ऑलराइट, स्टूडेंट्स वुड कैलकुलेट देयर अप्रोक्सीमेट मार्क्स बेस्ड ऑन बीएचयू यूईटी आंसर की रिस्पॉन्स शीट एंड क्वेश्चन पेपर। मीनवाइल लेट अस टेक अ लुक ऑन सम ऑफ द एसेंशियल पॉइंट्स शेयर्ड। तो पता ही है आपको कि इसमें फॉर्मेलिटी दी हुई है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और गलत उत्तर पे आपको जो है -1 नेगेटिव जाएगा। इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। एक और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन टू रेज देयर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की। अगर कोई विद्यार्थी अगर किसी भी क्वेश्चन पे रेज करना चाहता है ऑब्जेक्शन, तो उसे ₹200 का भुगतान करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, उसे वापस नहीं मिलेंगे वो पैसे। तो पर क्वेश्चन ₹200 चार्जेस भी हैं इनके, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो द एजेंसी वुड कंसिडर ओनली पेड चैलेंजेस मेड देयर स्टिपुलेटेड टाइम ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। और एजेंसी उसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन को मान्यता देगा जिसमें कि उसको ऑनलाइन फी पेमेंट की गई है, जो कि पर क्वेश्चन ₹200 है। ये सूचना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी बातें हैं। होपफुली 31 अक्टूबर को लेट अस वेट फॉर द आंसर की और उसके बाद अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, अपने अनुमान से बोल रहा हूं, जैसा कि जनरली होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट दे दिया जाता है। इनफैक्ट अभी तो फिलहाल क्यूसेट का रिजल्ट आ चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आंसर की आ चुकी है, बट रिजल्ट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि बीएचयू का जो आंसर की है वो एनटीए 31 अक्टूबर, जो कि इस सूचना के अनुसार आपको बता रहा हूं कि रिलीज होनी चाहिए। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट एंड आंसर की। तो कृपया करके अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कॉन्ट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।